आए दिन अवैध शराब की निर्मित बिक्री घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी एक घटना सोमवार को कलमेश्वर तहसील के एरला गांव में सामने आई है। राज्य उत्पादन शुल्क को गुप्त जानकारी मिली थी, जिस आधार पर कार्रवाई कर बनावटी शराब निर्मित गोडाउन से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जगह जगह किया गया था। साथ ही राज्य उत्पादन शुल्क की अवैध शराब कारोबारियों पर पैनी नजर थी। राज्य उत्पादन शुल्क को गश्त के दौरान गुप्त जानकारी मिली थी कि कलमेश्वर तहसील के एरला गांव में बनावटी विदेशी शराब का गोडाउन है, जहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब, मध्य प्रदेश निर्मित शराब, साथ ही महाराष्ट्र के 3000 नामांकित कंपनियों के नकली ढक्कन के 17 बॉक्स, मध्य प्रदेश निर्मित नकली विदेशी शराब के 2 बॉक्स, साथ ही 2000 नामांकित कंपनियों की देसी शराब अवैध तरीके रखी है। राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा छापामार कार्रवाई कर इस शराब के गोडाउन से 3 मोबाइल हैंडसेट, 1 स्विफ्ट डिजायर कार, दुपहिया वाहन, नगद 1,01,450 रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 8,19,242 रुपए कीमत का मुद्देमाल जब्त किया गया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।